जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली है गर्ल्स ट्रेनिंग पे, क्योंकि ये बहुत सारे मेरे पास में कमेंट आते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो या YouTube पे कमेंट आते हैं कि सर आप गर्ल्स के लिए कोई वीडियो बहुत कम बना रहे हो, तो गर्ल्स के लिए भी वीडियो बनाओ कि उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। तो आज का पूरा वीडियो मेरी बहनों के लिए कि उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी। साथ ही बता दूँ जो मेरा दूसरा YouTube चैनल फौजी मेहता अकेडमी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, जिसपे मैं तो रीजनिंग की लाइव क्लास शुरू करने वाला हूँ और रेगुलर चल ही रही है। आने वाली नई वैकेंसी, कौन कौन सी वैकेंसी उसकी अपडेट देता रहूँगा, कौन फेक वैकेंसी है, कौन सी सच्ची वैकेंसी है, इनके बारे में भी आपको जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। दोस्तों तो अब बात करते हैं कि गर्ल्स की ट्रेनिंग, चाहे वो CRPF हो, CISF, ITBP, SSB या BSF, सभी में जो गर्ल्स की ट्रेनिंग होती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि गर्ल्स और बॉयज़ की ट्रेनिंग एक साथ होती है क्या, ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो गर्ल्स और बॉयज़ की ट्रेनिंग एक साथ होती है कुछ ट्रेनिंग सेंटरों में, लेकिन उनकी ट्रेनिंग विंग अलग होती है, उनके ट्रेनिंग ग्राउंड अलग होते हैं और हाँ सेंटर एक होते हैं, जैसे CRPF नीमच जो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर लड़कों की ट्रेनिंग भी होती है, लड़कियों की भी ट्रेनिंग होती है। BSF जोधपुर, वहाँ लड़कों की ट्रेनिंग भी होती है, लड़कियों की ट्रेनिंग भी होती है। तो इस प्रकार के कई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों की ट्रेनिंग होती है। CRPF का भी ट्रेनिंग सेंटर है सूरतगढ़ जोधपुर में, तो वहाँ पर भी होती है, लेकिन वहाँ पर लड़कियों की नहीं, केवल लड़कों की होती है। तो कई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ लड़के और लड़कियों की ट्रेनिंग एक साथ होती है, लेकिन उनका विंग अलग होता है, लड़कियों का रहने का अलग जगह होती है, लड़कों की रहने की अलग जगह होती है, उनका ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है वो भी अलग अलग होता है, और जो उनका प्रोग्राम होता है जैसे ग्राउंड टाइम होता है तो उनका ग्राउंड भी अलग अलग विंग का अलग अलग बना होता है। लड़कियों का ग्राउंड अलग साइड में रहता है, लड़कों का ग्राउंड अलग साइड में रहता है, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन हाँ कैंप जैसे निम्बस काफ़ी बड़ा कैंप है CRPF का, तो उसमें एक ही जगह रहते हैं, उनका अलग अलग रहता है। अब बात आते हैं कि जो इनका ट्रेनिंग जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है, दैनिक दिनचर्या क्या होती है लड़कियों की ट्रेनिंग की। तो आप फोर्स के मेंबर बन रहे हो तो लड़कियां बोलो या फौजी बोलो, बात एक ही है, भले आप ही अपने आप को फौजी मान लेना, तब आप में वो कोई बात या कोई भी छूट नहीं मिलेगी जो आपको जो लड़कियों की वजह से यहाँ पे जो मिलती आई है। जैसे बोल देते हैं ना कि भाई लड़कियों को ये छूट है, ये छूट है, नहीं, फौजी एक ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मतलब फौजी मतलब फौजी। अब होता क्या, रनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर रनिंग कितनी होती है ट्रेनिंग में, लड़कियों की ट्रेनिंग में रनिंग कितनी होती है, वेट वाला जो आपने बताया था कि वेट वाली एक्सरसाइज वो कैसे होती है, जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि सबसे हार्ड ट्रेनिंग कौन सी होती है, उसका मैं आई बटन पे लगा रहा हूँ, आप जाके देख लेना सबसे हार्ड ट्रेनिंग कौन सी होती है ट्रेनिंग में। तो क्या ये लड़कियों की भी होती है, तो बिल्कुल लड़कियों की भी बिल्कुल वो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अरे जब तक आपकी हार्ड ट्रेनिंग नहीं होगी आप में वो बात कैसे आएगी, फौजी वाली नज़र कैसे आएगी। लड़कियाँ NSC कमांडो भी बनती है, कोबरा कमांडो भी बनती है, तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा मेहनत। फिर भी चलिए बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आते हैं कि सर रनिंग कितनी होती है। तो मैं बता दूँ, जैसे आपका यहाँ पर जो मापदंड, लड़कों का जो मापदंड रहता है उससे यहाँ का जो मापदंड है आपके टेस्ट टाइम पे, वो भी बिल्कुल चेंज है, तो ट्रेनिंग का शेड्यूल भी बिल्कुल चेंज होता है। हाँ रनिंग होती है आपकी भी, 5 किलोमीटर की रनिंग भी होती है, 10 किलोमीटर की भी रनिंग होती है ट्रेनिंग में, लेकिन उसका जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है, लड़कों का अलग होता है आपका अलग होता है। हाँ 20 स्केल में भी आपकी रनिंग होती है, वर्दी के साथ में, राइफल के साथ में भी आपकी भी रनिंग होती है, ये नहीं कि केवल लड़कों की रनिंग होती है। वो मैंने बताया था 20 स्केल में कि भाई पूरी वर्दी पहन के फिर बोतल पीछे बांध के हथियार के साथ जो रनिंग होती है 5 किलोमीटर लड़कों की, 5 किलोमीटर भी होती है, 16 किलोमीटर भी होती है लड़कों की, लेकिन लड़कियों की 16 किलोमीटर नहीं होती, 5 किलोमीटर तक होती है, लड़कों की 16 किलोमीटर भी रनिंग होती है 20 स्केल में हथियार के साथ में, लड़कियों की 16 किलोमीटर रनिंग नहीं होती। तो ट्रेनिंग जो रनिंग होती है वो ज़्यादा नहीं होती, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बार बार इस बात को पता नहीं कितने दिल पर ले लियो कि सर ट्रेनिंग कैसे निकलेगी, ट्रेनिंग कैसे। देखो ट्रेनिंग में आपको अगर नॉर्मल जो दिनचर्या बता रहा हूँ तो मैं बता दूँ, सुबह दो, जैसे 2 पीरियड आपके हो गए PT के, उसमें जो नॉर्मल रनिंग होती है ग्रुप रनिंग, वो ग्रुप रनिंग चलती है डेली, सप्ते में एक दिन टेस्ट होता है सैटरडे को, वो नॉर्मल टेस्ट होता है, 12 वीक का जो मेन टेस्ट होता है वो बाद में होता है, जो नॉर्मल टेस्ट होता है उसमें टाइमिंग के हिसाब से अगर कोई फेल भी हो जाता है तो उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि वो रनिंग अच्छे से कर पाए, ठीक है। ये आपका सुबह की जो मार्के लगने के बाद में 4 बजे आपको उठना है, 4 बजे लड़के उठते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर का अलग अलग टाइम होता है, तो उठ के बाद में मार्चअप होने के बाद में फिर आपकी रनिंग का जो शेड्यूल रहता है ये रहता है, उसके बाद में फिर नाश्ते का टाइम, फिर ग्राउंड में जाओगे और पहले 12 वीक में आपको ड्रिल की क्लासें होगी, जो लड़कों की क्लास होती है वो आपकी होती है, परेड ही सिखाई जाती है, पहले 12 वीक तक आपको ड्रिल सिखाई जाती है, ड्रिल के बाद में
दोपहर और भी क्लास चलती रहती है, जैसे एमिनेशन हथियारों के बारे में, इनमें क्लासेस चलती रहती है या ऑपरेशनों के बारे में, वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाती। उसके बाद में जो दोपहर के बाद में जब आपको 2 से 2.5 घंटे का रेस्ट मिलता है और वापस ट्रेनिंग ग्राउंड में, तो जब वापस ट्रेनिंग ग्राउंड में आप जाते हो तो नॉर्मल वो जो शाम को इनका चलता है वही शाम के टाइम में गेम पीरियड होता है, उससे पहले 1-2 क्लासेस ड्रिल की, 12वीं का टेस्ट, इसी प्रकार से आपका ट्रेनिंग शेड्यूल चलता है। नाइट में 5-6 बजे कई बार ओपन जाता है, कई बार 8-10 बजे तक अगर कोई क्लास होती है तो नाइट में भी क्लासेस चलती है, वो लड़के हो चाहे लड़कियाँ सभी की चलती है। अब ये भी क्वेश्चन रहता है क्या ट्रेनिंग टाइम में हम पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो ट्रेनिंग टाइम में। मैं बोला 12वीं की जो ट्रेनिंग होती है उसमें टाइम उसमें भी आपको मिलता है, लेकिन उसमें थकान शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने का दिल कम करता है, लेकिन जिसको पढ़ना हो तो पढ़ेगा। उसमें होता क्या कि 12वीं की जो ट्रेनिंग होती है उसमें थोड़ा सा थकान शरीर में कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, ड्रिल व्रिल करने से, पूरे दिन खड़े रहने से आपका सबसे पहले स्टेमिना बनाया जाता है कि खड़े की तरह, मतलब आप 12 घंटे 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 20 घंटे भी खड़े रह लो, इस प्रकार का स्टेमिना बनाते हैं, वो बनता है ड्रिल से, क्योंकि आपको पूरे दिन चलाते रहेंगे, बैठने नहीं देंगे, या बैठने देंगे तो 2-4 मिनट के लिए, तो उससे क्या होगा कि आपके धीरे धीरे पैरों में जान आएगी, वो स्टेमिना बन जाएगा, तो उसकी वजह से आपको थकान भी बहुत होती है, तो इसलिए रात को नींद जल्दी आ जाती है। और ड्यूटीज़ का लड़कियों की ट्रेनिंग में ड्यूटी लगती है, बिल्कुल ड्यूटी लगती है, ट्रेनिंग आपके विंग के बाहर भी लगती है और भी ड्यूटीज लगती है लड़कियों की भी साथ में, कि कंप्यूटर चलाने वाले को क्या फ़ायदा मिलता है, ये भी क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर। तो कंप्यूटर चलाने वाले को फ़ायदा क्या है कि वो जैसे राइटर वाइटर का काम कर सकता है, वहाँ पर भी राइटरों की कमी रहती है, तो जो अपनी विंग का काम कर सकता है उसमें से थोड़े बेनिफिट मिलते हैं, सर्विस के में भी उसके बेनिफिट्स मिलते हैं कि ऑफिस में आपको राइटर का काम मिल जाए, ये भी बेनिफिट रहते हैं अगर आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है तो। साथ में अब ट्रेनिंग का जो रनिंग का हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज आपको पता नॉर्मल जो होती है वो होनी होनी है आपके साथ में, और उसके बाद में इसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है कि आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा कराते हैं या पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना प्रताड़ित नहीं किया जाता है। जितने आपने सुने ना, ये मान लीजिए उसका 20% ही ट्रेनिंग होती है, क्योंकि सुनने में बात क्या होती है कि हमारे देश में क्या होती है, छोटा सा तिनका मिला ना तो उसको खींच के इतना बड़ा बना देंगे। तो जितनी आपने सुनी है ना कि लड़कियों की ट्रेनिंग ऐसे होती है, एयरबेस से होती है, इतना पंगा होता होता, वो आप 10 ये मान लीजिए 100% सुने, उसका 20% ही होता है, ठीक है, कोई मार पिटाई नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, पनिशमेंट के तौर पर फिजिकल एक्सरसाइज के परेशान करने का, ताकि जिससे आपके शरीर में मजबूती आए, उस प्रकार के थोड़े से पनिशमेंट दिए जाते हैं जिससे धीरे 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 आपका शरीर स्ट्रांग हो जाए। बाकी इसके अलावा और कोई भी इस प्रकार की प्रताड़ित नहीं करते हैं। जो आपने सुन रखी है ना कि भाई ऐसे ट्रेनिंग में ऐसा होता है, मार पिटाई होती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़कियों को लड़कियों की तरह ट्रीट किया जाता है और लड़कों को लड़कों की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन आप फौजी बन गए हो दोनों तो फौजी की तरह ट्रीट भी किया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि भाई मार पिटाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो आपने सुने कि ट्रेनिंग में इतना ऐसा कुछ होता है, जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है इतनी हार्ड, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ट्रेनिंग में पनिशमेंट रनिशमेंट, ताकि आपके शरीर में जान आए, लेकिन वो फिजिकल पनिशमेंट भी होता है, जैसे डिप्स मारना, कंट्रोल देना, डड्डू चलाना, ये इस प्रकार के पनिशमेंट होते हैं और कुछ नहीं। लेकिन आप रनिंग से तो बिल्कुल ना डरिए, रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल रनिंग होती है, कोई भी पास करेगा ट्रेनिंग में रनिंग की, तो मैं खुद बोल रहा हूँ ना, गारंटी ले रहा हूँ, रनिंग में कोई फेल नहीं होगा, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की, आप ट्रेनिंग पास कर लोगे गारंटी में। बस फिजिकल एक्सरसाइज में आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि शरीर में आपकी जान आए, बस बेड़ा पार आपका। तो लड़कियों की ट्रेनिंग भी सेम लड़कों की तरह होती है, लेकिन हाँ प्रताड़ित नहीं करते हैं, इसलिए लड़कियों की ट्रेनिंग कैसे होती है, कैसे होती है, जो नेचुरल जो फिर चलता है वही शेड्यूल चलता है। 12वीं के बाद फिर आपकी वेपन ट्रेनिंग होती है, आपको भी फायरिंग सिखाई जाती है, इंटरम टेस्ट में आपके भी टेस्ट होते हैं, रिटर्न भी होता है, फिजिकल का भी होता है और फायरिंग का, ये तीनों टेस्ट होते हैं, और फिर आपको घर भेज दिया जाता है, घर से वापस आते हो, फिर वापस आने के बाद फिर आपकी वेपन की क्लासेज ज़्यादा चलती रहती है, वेपन कैसे फायर करते हैं या किस प्रकार से आपको ड्यूटियाँ करनी है इसके बारे में समझाया जाता है, और उसके बाद में फिजिकल एक्सरसाइज साथ में चलती रहती है, तब तक आपका फिजिकल बिल्कुल फिट हो जाता है, तो कोई परेशानी आपको होती नहीं, बस और कुछ नहीं, आपकी ट्रेनिंग घबराने की ज़रूरत नहीं, और मज़े से ट्रेनिंग करोगे। जय हिंद, जय भारत।